दोस्तों, सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद एक तारा है, जो अगर ना होता तो शायद पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव ही नहीं था। और शायद यही कारण है कि हिंदू धर्म में तो सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। वैसे जब हम सूर्य को पृथ्वी से देखते हैं तो हमें ये काफी छोटा और शांत पीली बॉल की तरह लगता है, पर सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है, क्योंकि सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। और सूर्य से हमेशा करोड़ों परमाणु और हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी अंतरिक्ष में बाहर निकलती रहती है, जो इसके कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बनती है, जिसके कारण सूर्य के कोर का तापमान तो करोड़ों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसके सरफेस का तापमान भी हजारों डिग्री सेल्सियस में है। पर यह भी कुछ नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर एक बहुत ही घना जलता हुआ गैसों से भरा वातावरण मौजूद है, जिसमें हमेशा बड़े बड़े तूफान चलते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार और इसमें मौजूद पार्टिकल्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अगर इसकी चपेट में कोई भी आसपास का ग्रह आ गया तो वह पूरी तरह से बंजर जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आप सूर्य के करीब मौजूद मर्क्यूरी और वीनस ग्रह को देख सकते हैं, जहां का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह की आज जो हालत है वह भी इन्हीं शोर तूफानों के कारण हुई है, क्योंकि मंगल ग्रह के पास पृथ्वी की तरह अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है जो उसे सूर्य पर चलने वाले इन खतरनाक तूफानों से बचा सके। पर सच्चाई तो यह है कि पृथ्वी के पास अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद भी कई बार सूर्य से आने वाले ये खतरनाक सौर तूफान पृथ्वी पर काफी तबाही मचा चुके हैं। 1990 में ऐसा हो चुका है, जब सूर्य से निकलने वाले एक बहुत ही बड़े सौर तूफान की टक्कर पृथ्वी से हुई और इसने पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक जो सैटेलाइट है उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। इससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन एक दूसरे से काफी प्रभावित हुआ था। और उस समय तो इंसान इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी नहीं करते थे और आज के समय तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। दुनिया में हर काम इंटरनेट की मदद से आज हो रहा है और पृथ्वी की ऑर्बिट में भी हजारों सैटेलाइट घूम रही है। ऐसे में अगर आज कोई ताकतवर सौर तूफान पृथ्वी से टकराया तो ये पृथ्वी पर काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है और हमें बिना इंटरनेट कर सकता है। इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य और इससे पैदा होने वाले सौर तूफानों पर रिसर्च करना चाहते हैं, ताकि हम इन्हें समझकर भविष्य में किसी बड़े सौर तूफान की तबाही से बच सके। इसलिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब नाम का एक स्पेसक्राफ्ट सूर्य की ओर लॉन्च किया, जिसका काम सूर्य के सबसे करीब जाकर उस पर चलने वाले सौर तूफान और उसके स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना है। इसी स्पेसक्राफ्ट में कई कैमरे और आधुनिक उपकरण भी लगाए गए हैं और जैसे जैसे ये सूर्य के करीब जा रहा है हमें कई नई चीजें जानने को मिल रही है। और अब तो इसने सौर तूफानों को भी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, यानी जो सौर तूफान कुछ समय पहले तक हम केवल पृथ्वी के पोल्स पर अरोरा के रूप में देख सकते थे, आज के समय में सोलर प्रोब की मदद से उन्हें सुन भी सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सूरज पर चलने वाले तूफानों की 6 ऑडियो सुनाऊंगा जिन्हें सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया है। साथ ही हम कुछ तस्वीरें भी देखेंगे जो अभी तक की सूर्य की सबसे करीब की तस्वीरें हैं। तो चलिए सुनते हैं सूर्य की आवाज। रिकॉर्ड की गई ऑडियो क्लिप्स को सुनने से पहले आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में किसी तरह की आवाज ट्रेवल नहीं करती है और जो ऑडियो क्लिप्स में आपको सुनाने वाला हूं वह उस डाटा को प्रयोग करके नासा द्वारा बनाई गई है, जो पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के करीब जाने पर गैसों और पार्टिकल्स के दबाव और मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होने से बनाई गई है। ये कुछ उसी तरह बनाई गई है जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड और दबाव में होने वाले परिवर्तन के चलते स्पीकर्स और हेडफोन की मदद से आवाज को सुनते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली ऑडियो से। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये सूर्य के वातावरण में पार्कर सोलर प्रोब के एंटर होने के दौरान प्लाज्मा और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के दबाव में होने वाले परिवर्तन को रिकॉर्ड करके बनाई गई है। इसके अलावा जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी सोलर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें आप सूर्य से निकलने वाले पार्टिकल्स को काफी तेजी से बाहर जाते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ऑडियो में जो आवाज ऊपर और नीचे हो रही है ये सूर्य के वातावरण में मौजूद गैसों के दबाव में तेजी से होने वाला परिवर्तन है। अब बारी आती है हमारी दूसरी ऑडियो की। ये ऑडियो सूर्य के थोड़ा और करीब जाकर वहाँ पर गैसों में आने वाले परिवर्तन से रिकॉर्ड की गई है।
और ये भी काफी ज्यादा अजीब डरावनी आवाज है, जो कभी तो बहुत ही कम हो जाती है और बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है। इस तरह की आवाजों को वैज्ञानिकों ने खास नाम विस्टेलर मेड वेव दिया है, क्योंकि इसमें आपको सुनकर ही लग रहा होगा मानो कोई बहुत ही तेज सीटी बजा रहा हो। अब बारी आती है हमारे तीसरे ऑडियो रिकॉर्डिंग की। अभी आप जो शांत और तेजी से बढ़ती हुई एक विसल जैसी आवाज सुन रहे हैं, ये सोलर प्रॉप द्वारा रिकॉर्ड की गई हाई चार्ज पार्टिकल के प्रेशर में होने वाले दबाव की रिकॉर्डिंग है। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास है क्योंकि इसे सूर्य से निकलने वाली एक खास तरह की वेव से रिकॉर्ड किया गया है, जिसे लंगमोयर वेव कहा जाता है। इस तरह की वेव काफी ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पर ट्रेवल करती है, और जब सोलर प्रॉप द्वारा रिकॉर्ड किए गए इस डाटा से ऑडियो फाइल बनाई गई तो उससे हमें इस तरह की हाई पिच ऑडियो मिली। चलिए अब चलते हैं हमारी चौथी रिकॉर्डिंग की ओर। अभी जो आपने आवाज सुनी, ये सूर्य से निकलने वाले शोर तूफानों की एक खास तरह की डिस्प्रेसिव वेव से पैदा हो रही है। इस तरह की वेव सूर्य के काफी ज्यादा करीब पैदा होती है, और इन वेव्स की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी को बदलती है। वैसे मुझे तो ये आवाज सुनकर ऐसा ही लग रही है जैसे हमारे पृथ्वी पर तेज तूफान आते हैं। वैसे आपको ये आवाज किस तरह की लगी, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्प्रेसिव वेव के बारे में वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि सूर्य पर चलने वाली ये वेव शोर तूफानों के साथ चलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी वेव है, जो अगर पृथ्वी तक पहुंचती है तो इसके एनर्जेटिक पार्टिकल पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए काफी घातक साबित हो सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली पांचवी आवाज की ओर। वैसे पांचवी ऑडियो पहले वाली चौथी ऑडियो से काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन इन दोनों के ही डाटा बिल्कुल अलग है। पांचवी ऑडियो को सूर्य के और भी ज्यादा करीब जाकर वहाँ पर गैसेज और पार्टिकल्स के स्पेसक्राफ्ट से टकराने और दबाव में होने वाले बदलाव से रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा इस ऑडियो को बनाने में सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। यानी इस पांचवी आवाज में आप जो आवाज सुन रहे हैं, ये सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान और सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले बदलाव दोनों से ही मिलकर बनी है। और वैज्ञानिकों की माने तो इस आवाज और डाटा की मदद से वह सूर्य पर चलने वाले सौर तूफानों के समय अंतराल को समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि भविष्य में हम इस डाटा की मदद से ही ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि सूरज पर चलने वाले सौर तूफान कब और कितनी तेजी से आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं छठी और सूर्य की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की ओर। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये पहली ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सूर्य पर चलने वाले सौर तूफान या फिर मैग्नेटिक फील्ड डाटा से रिकॉर्ड नहीं की गई है, बल्कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग उन छोटे छोटे मीटियोरॉइड यानी पत्थरों की है जो सूर्य के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से बंधे है और सोलर प्रॉब के करीब 70,000 किलोमीटर से सूर्य की ओर बढ़ने के कारण लगातार इससे टकरा रहे हैं। अभी आप जो आवाज सुन रहे हैं, ये उन्हीं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के पारकर सोलर प्रोब से टकराने की आवाजें हैं, और इस आवाज को सुनकर मुझे हमारे पुराने टीवी की याद आ रही है। वैसे कि आपको भी ये आवाज पुराने टीवी की तरह लगती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो जितनी रफ्तार से ये सभी डस्ट पार्टिकल सोलर प्रोब से टकरा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई दूसरा स्पेसक्राफ्ट होता तो वह अभी तक खराब हो चुका होता। पर पारकर सोलर प्रोब को खास इसी तरह की कंडीशन में रहने के लिए बनाया गया है, इसलिए ये लगातार इन पार्टिकल्स के टकराव के बावजूद अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा है, और जल्द ही ये सूर्य के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाएगा, जिसके बाद हमें और भी कई तरह की आवाजें सूर्य के सबसे करीब की तस्वीरें देखने को मिलेगी। वैसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी, और सूर्य पर चलने वाले तूफानों की इन आवाजों में आपकी सबसे पसंदीदा आवाज कौन सी है, और अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।